हेलो दोस्तों, जय हिंद। नमस्कार, मैं नीतीश चंद्रा आप सभी के समक्ष आरआरबी वेटिंग कैंडिडेट्स के लिए एक न्यूज लेकर के उपस्थित हुआ हूं और कुछ सलाह आपको देने के लिए उपस्थित हुआ हूं। वैसे तो मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था कि मैं वीडियो इस मसले पर आगे बनाऊं, और मैंने आज सुबह ही कहा भी था कि मैं इस पर कोई वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ। लेकिन फिर अभी हमारे मित्र मनीष भाई का, जो कि लीड भी कर रहे हैं इस आंदोलन को, उनका फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि इस मसले पर वीडियो बनाना काफ़ी ज़रूरी है। तो मुझे लगा कि अंततः, और आप सभी का भी मैंने कमेंट देखा था, 99% से ज़्यादा लोगों का ये मानना है कि मैं वीडियो बनाता रहूं। तो आप सबों के इस देख कर और मनीष भाई के कॉल के आधार पर मैंने अभी मन बनाया कि मैं वीडियो इस पर बनाऊँ। और वैसे भी मैं अभी छठ कर रहा हूँ, तो आप समझ ही रहे हैं मेरी स्थिति को। फिर भी आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाना काफ़ी ज़रूरी था। और न्यूज़ ये है कि इंटरनल न्यूज़ है, मैं ज़्यादा इसे ओपन करके बता नहीं सकता हूँ आपको, लेकिन मामला यह है कि हमारा काम, वेटिंग क्लियरेंस का काम लगभग क्लियर है, और 95% कहें कि वह सकारात्मक दिशा में अभी तक जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसे घटिया और नीच किस्म के लड़के हैं जो करके क्या रहे हैं कि अभी तक जो आंदोलन को लीड करते आ रहे हैं, जैसे प्रेम भाई हों, अरविंद मीना एक राजस्थान का लड़का है, वो खुद इम्पैनल्ड है, लेकिन फिर भी वो अन्य जो बचे हुए लड़के हैं उसके लिए समय निकाल करके, अपना पैसा खर्च करके लगातार मेहनत कर रहा है। जहाँ जाना हो, जो कुछ करना हो, उसके लिए लगा हुआ है। लेकिन उसको और गाली दे दिया जा रहा है, प्रेम भाई को गाली दे दिया जा रहा है, कोई अन्य किसी को कुछ बोल दे रहे हैं। हम वीडियो बनाते हैं तो हमको बोल दिया जाता है कि आ गए बकवास करने, वगैरह वगैरह चीज़ें। तो ऐसे में भाई दिक्कत यह है कि अगर आपको अपनी नौकरी नहीं चाहिए, तो आपसे हाथ जोड़ करके अनुरोध है कि जिन लोगों को, जो लोग इसके लिए 3 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, कम से कम उन लोगों का हो जाने दीजिए। आपको नहीं चाहिए होगा तो आप लिख करके एक लेटर रेलवे को भेज दीजिए कि फलाना फलाना रोल नंबर में हमको नौकरी नहीं चाहिए। या फिर अगर आपको ईश्वर ने बुद्धि नहीं दी है, तो दूसरों की बुद्धि से कुछ सीख लीजिए, और नहीं कुछ तो फिर शांत रहने का प्रयास करिए। और अगर बुद्धि है थोड़ी सी भी, तो उसको अप्लाई करने का काम करिए, कि जिसके वजह से कई लड़कों की नौकरी आज हो चुकी है, वैसे व्यक्ति को आप गाली दे दे रहे हैं। जो लड़का खुद अपना नौकरी हुआ है, फिर भी रिस्क ले करके वो लोगों से मिल रहा है, और जो लोग भी दिल्ली में रहे हैं या जो अभी तक एक्टिव हैं, जो भी इधर उधर काम कर रहे हैं, क्या वो व्यक्ति या वो लड़का ऐसा सुन सकता है कि अब किसी का नहीं होगा? उसका रोम रोम, उसका एक एक शरीर का अंग अंग जवाब देता है कि हम पॉजिटिव दिशा में हैं और हमारा होगा, और इसी उम्मीद में वो लगा हुआ है, एक एक लोग। लेकिन बार बार लोग कुछ ना कुछ ऐसे, कुछ एक दो चार लोग ऐसे हैं जो ऐसी हरकत करते हैं कि प्रेम भाई को अभी गाली दे दिया गया, अभी अरविंद मीना को गाली दिया गया, उसका ऑडियो आया, और अंततः मनीष भाई ने फ़ोन करके मुझे कहा कि आपको वीडियो इस पे बनाना ही होगा। और तो मैं अंततः उनके बातों पर विवश होकर के आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो न्यूज, मैं बार बार कह रहा हूँ कि न्यूज लिखित रूप में नहीं हमारे पास आया है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा कुछ नहीं हुआ। मैं बार बार कह रहा हूँ कि 31 संसद सदस्य, स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स, ये 31 सदस्य यदि लेटर लिख करके चेयरमैन को भेज देता है, तो फिर किसकी मजाल है? अगर उसकी नहीं सुनी जाती है, तो इसका मतलब है कि फिर किसी की नहीं सुनी जाएगी। अगर उन लोगों ने लिख करके दिया है, रेलवे की स्टैंडिंग कमेटी है, रेलवे से संबंधित मामला है, लिख करके दिया गया है, तो फिर कैसे नहीं होगा? मामला यह है कि जब होगा, और अधिकारी भी हमें कह रहे हैं, लगातार उनसे बात होती है, कभी कभी बात भी होती है, या फिर उनसे कुछ लड़के मिले भी हैं, तो लगातार जब वो लोग खुद कह रहे हैं कि थोड़ा समय लग सकता है, सबका हो जाएगा, तो फिर इस तरह की हरकत क्यों? और इस तरह की हरकत से आप अपने आप को हानि पहुंचा रहे हैं। और कम से कम यदि आपको नहीं चाहिए ये नौकरी, तो जिनको चाहिए उसके लिए हो जाने दीजिए, इसे सही सलामत ढंग से, और अनाप शनाप की हरकत ना करें, ठीक है? अन्यथा आपके पास कुछ अच्छी आइडिया हो, अच्छे बातें हों, कुछ अच्छे प्लान्स हो, तो उसको, बातों को रखने का एक अच्छा माध्यम है, हमारे पास ग्रुप्स है, ग्रुप लीडर्स के नंबर अवेलेबल है, उनको फ़ोन करिए, उनको बताइए कि ये हमारे पास आइडिया है, इस पर विचार कर सकते हैं। तो कोई कुछ कह रहे हैं कि आप, जिन लोगों ने अभी तक 3 साल से लीड करके काफ़ी सारे लोगों का
कोई पैनल करवा दिया, उसके बारे में आप कह रहे हैं कि आपको मेमोरेंडम बनाना नहीं आता है, तो ऐसे नहीं होगा। ऐसे में आप लोग क्या करेंगे कि दूसरे के खुद का काम तो बिगाड़ेंगे ही, दूसरों का भी बिगाड़ देंगे। इसलिए आप सभी से फिर अनुरोध है कि मैं बार बार कह रहा हूँ और पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ कि काम हम लोगों का 95% हो चुका है और लिखित भी आएगा, लिखित लिखित जो हल्ला कर रहे हैं लोग, लिखित भी ऑफिशियल नोटिस भी आएगा और सबका होगा भी, लेकिन बशर्ते धैर्य रखना होता है, समय का इंतजार करना होता है। और जो लोग मेहनत कर रहे हैं वो निगेटिव आपका बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहेंगे, तो इसलिए जो नकारात्मक व्यक्तित्व वाले लोग हैं वो कम से कम इसमें ना शामिल हों, वो कम से कम नहीं कुछ आए उनको तो आप शांत रहें। अगर होगा तो सबका होगा, तो आपका भी हो जाएगा, नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा, ठीक है। तो कम से कम अगर आपको ईश्वर ने बुद्धि नहीं दी है तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप शांत रहिए और कुछ मत करिए, बाकी अपने अपने लोग जो अपने अपने स्तर पर कर रहे हैं वो कर लेंगे। क्या क्या हरकतें हुई है मैं आपको इस वीडियो के बाद, अरविंद मीना का एक वीडियो है, मैं वो आपको भेज दूंगा, आप उसे सुन लेंगे, आपको भी खुद खुद में बुरा लगेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाए, धन्यवाद। उस मीटिंग में 68 लड़के थे, पर मेरे को पता नहीं है कि कौन किसने गाली दी थी, ना ही मैं किसी को जानता था। बट उसमें सिर्फ एक कैंडिडेट को ज़रूर जानता हूँ जो इलाहाबाद बोर्ड का कैंडिडेट है, उसका नाम मुन्ना है। वो जैसे वो कोई लड़का गाली दे रहा था तो उसने उसको सपोर्ट किया कि इनका तो हो गया अरविंद मीणा का, तो ये तो हमें भ्रमित कर रहा है, ऐसा उसने बोला। हाँ तो वैसे ही वो गाली दे रहा था, तो फिर मम्मी ने कॉल कट करवा दिया कि तू इनके लिए टाइम भी ख़राब कराए, पैसे भी ख़राब कराए, दिमाग ख़राब कराए, इधर उधर जा रहा है, सब कुछ ये कर रहा है, उसके बाद में भी तेरे को गालियाँ दे रहे हैं, तो आज के बाद में तो कोई वीडियो वीडियो नहीं बनाएगा, इनका इनका जो होगा वो कर लेंगे इनसे, तेरे से जो हो पाया तूने कर लिया, अब आगे से कुछ मत करना इनके लिए। ये जवाब मेरी मम्मी ने मेरे को, और मेरा भाई भी मेरे को डांट रहा है, मम्मी भी डांट रही है।